हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लंबे टाइम के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, काफ़ी लंबे टाइम के बाद। सो आप लोगों को पहले हेलो हाय, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आपके साथ मैं आशीष थपलियाल, जो अल्फा कोचिंग क्लास से कोऑर्डिनेटर, क्लास 9 चैप्टर 8, जो कि हमारा चल रहा है। और इसका जो क्वेश्चन नंबर टेन पे हम पहुंच गए हैं। जिन्होंने इन छुट्टियों में बहुत अच्छा सा करा होगा, पढ़ा होगा, उनके लिए तो ये क्वेश्चन बहुत चुटकियों में होने वाला है। और जिसने भी इन छुट्टियों को बस सिर्फ मौज मस्ती में करा होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा, तो उनके लिए थोड़ा सा मतलब मेहनत करने की जरूरत है बस। ठीक है, चलो आते हैं, ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन देते हैं। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में पता है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, AP, AP और CQ, CQ। ठीक है, AP CQ क्या है? अच्छा, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का उल्टा टी। सी क्यू ये होता है साइन उल्टा, ठीक है, परपेंडिकुलर का। फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन अ डायगोनल BD, ठीक है, शो डेट। पहला पॉइंट है कि APB बोले तो AP और B। अच्छा, B कहाँ गया भाई? B यहाँ से हट गया। लो APB यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और CQD यानी कि ये वाला ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये उन्होंने कहा, प्रूव करके दिखाओ कैसे, उन्होंने कहा बताओ कैसे होंगे। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। दो ट्रायंगल को उठा लेते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमेशा दो ट्रायंगलों के बीच में तो कॉन्ग्रुएंसी होगी, तो दो ट्रायंगल उठा लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP, AP B एंड ट्रायंगल APB यानी कि ये वाला ट्रायंगल था। दूसरा CQD, CQ और D, ये दो ट्रायंगल को लेके चलते हैं। कॉन्ग्रेंसी चल रही तो इन दो ट्रायंगल्स को लेके कॉन्ग्रेंसी करते हैं। ठीक है, इन दो ट्रायंगल को लेके कॉन्ग्रेंसी अगर करते हैं तो देखो क्या क्या चीज मिलती है हमें, देखो क्या क्या चीज हो सकती है। अच्छा, ये 90 है तो सीधे सीधे ये है कि ये भी आपके पास 90 होगा, ये तो पता चल ही जाएगा। ठीक है ना, ये 90 है तो ये भी 90 आपके पास। तो देखो क्या कर सकते हैं हम, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल CQD के, एंगल CQD के, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है दोनों में, इसलिए। ठीक है, दोनों में ये 90 डिग्री है इसलिए। अच्छा, दूसरी चीज क्या दिख रही है, AB इज इक्वल टू CD, AB इज इक्वल टू CD, क्यों? पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आप लोग लिख सकते हो। तीसरी चीज क्या दिख रही है, दो पैरेलल लाइन है, तो दो पैरेलल लाइन है, जैसे पहले भी चलता हुआ आ रहा था, दो पैरेलल लाइन है, उनको एक लाइन ऐसे काटती है, तो जो इसकी वैल्यू होगी वो इसकी वैल्यू होगी, तो अल्टरनेट इंटीरियर यानी कि जो इसकी वैल्यू होती है वो इसकी वैल्यू होती है। तो इसका नाम जो है हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, इसका नाम 1 लिख देते हैं, इसका नाम यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो कॉन्ग्रेंसी प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, इनमें क्या था, ये इसके इक्वल, पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होती है, यहाँ पे दोनों में क्या है 90 है, दूसरा जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी होगी, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इतनी सारी चीजें हमें मिल गई हैं, सो फाइनली आप लोग लिख सकते हो क्या, ट्रायंगल APB कॉन्ग्रुएंट सी का साइन ट्रायंगल CQD के, CQD के, ये पहला पॉइंट कर दिया। और किस प्रॉपर्टी से करा, उस प्रॉपर्टी का नाम भी लिख दो, एंगल एंगल साइड से, तो एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमने ये कॉन्ग्रुएंसी करके दिखा दी। अगर दो ट्रायंगल के बीच में अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी करके दिखा दी, तो दूसरा पॉइंट देखो क्या दिख रहा है, AP और CQ, AP और CQ, अगर दो ट्रायंगल के बीच अगर कॉन्ग्रेंसी आपने करके दिखा दी, तो उनकी बची कुची साइड है वो क्या हो जाएगा, AP इज इक्वल टू CQ, किससे? CPC
टी से हेंस प्रूफ खत्म हो गया। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। सो इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 10। सो काफी अच्छा और छोटा सा क्वेश्चन है। सो मिलते हैं कल नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।